तो फिर देखने वाली चीज होगी ये कहाँ स्टे होता है। लाइट से सी मो सरप्राइज से सी जे मुशियो से कम नहीं जे कोहिमा द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ऐसी जिंदगी हम छिपे छिपाए। हेलो गुड इवनिंग अगेन, मैं ऑलरेडी पैदल ही चेकिंग इन विदाउट मनी ट्रैवलर। मैं हूं अभी दीमापुर नागालैंड में और पिछले दो दिनों से यहाँ पे रुका हूँ। पिछले दो दिन मतलब कि कल एक दिन और मैं परसों शाम को आया था, तो दो दिन हो चुके हैं अभी रिसेंटली। मैं बता दूँ, मैं निकल रहा हूँ अभी कोहिमा के लिए जो कि नागालैंड का कैपिटल है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। मैं सोचा मेरा वक्त ख़राब फंस गया क्योंकि मैं जब रुका हुआ था तो संडे था और संडे के दिन पूरा नागालैंड बंद होता है, तो मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया कल। लेकिन मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से दीमापुर से और जो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा उधर जा रहा हूँ। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन दीमापुर, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रूम दिया और सारे सुविधाएं मुझे अवेलेबल करवाई। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या होता है। ये अपना रूम है जहाँ मैं रुका हुआ था, दो रात मैंने यहीं पर गुजारी है भाई। अभी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक के। अब आगे देखते हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है इधर पे, गर्म इलाके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे दिक्कत बढ़ती जाएगी भाई, क्योंकि इतना लोड बैग जो मेरा है 18 केजी का और ये छोटू वाला 2.5 केजी का, तो देखते हैं कैसे संभालेंगे इनको इतनी गर्मी में। फिर भी बने रहिए वीडियो में एंड तक के, वीडियो को स्किप ना करना और देखते हैं आज कहाँ पहुँचते हैं। बाय बाय। तो मैं हूँ अभी दीमापुर NH 29 में। भाई साहब बड़ा रश है यहाँ पे गाड़ियों का, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। रिसेंटली मुझे रोका हुआ था, अभी तो मैं रुका हुआ था, थोड़ी बातचीत हुई। भाई साहब ने पूछा कि कहाँ से आए हो, मैंने बोला भाई मध्य प्रदेश, तो बोले बाप रे इतने दूर से। मैंने बोला हाँ। अरे भाई अजीब अजीब शौक़ होते हैं ना घूमने के, हमारा ये शौक़ है। तो चलते अभी रास्ते पर, बड़ी धूप है भाई तेज की, देख रहे हो भाई धूप खतरनाक, एकदम सर के ऊपर है सूरज, चट चट लग रही है। देखते हैं फिर भी। हाँ तो बड़ी, मैं एक्चुअल में निकला हुआ था रूम से अपने, और रिसेंटली एक भाई मिले हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मैं छुड़वा सकता हूँ कोहिमा तक बाय कार, तो आप इसमें बैठ जाइए और चले जाइए। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैंने शुरू से फील यहाँ पे, मैं नागालैंड भी जब एंटर हुआ तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी और यहाँ के लोगों का जो नेचर है मेरे लिए खाली, मतलब मेरे लिए अगर मैं देखूँ तो क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत पॉजिटिव है यहाँ के लोग और बहुत हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू से मेरी अभी तक की हेल्प बहुत ज़्यादा हुई है। दो दिन हुआ है पर एहसास हो गया है कि हाँ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी मदद हो रही है मेरी रिसेंटली। जैसे अभी मदद हुई ना, मैंने किसी को बोला ना कुछ, रिसेंटली मैं जा रहा था तो भैया ने बोला कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ या छुड़वा सकता हूँ कोहिमा तक अगर आप चाहें तो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी कोहिमा जा रहे हैं तो जल्दी पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे इंतज़ाम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं और कोहिमा को विज़िट करते हैं, बने रहिए सफ़र में एंड तक के और वीडियो को स्किप ना करना। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। फाइनली पालों की हालत बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और गाड़ी भी काफ़ी स्पीड चल रही थी, लिमिट में चल रही थी, लिमिट स्पीड मतलब हम लिमिट क्रॉस नहीं किए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे थे फुल्ली, ठीक है। और मैं बता दूं कि कोहिमा बस पहुंच गया हूं मैं लगभग, और कितना किलोमीटर होगा भैया इधर से? कम से कम 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर और बचा हुआ है कोहिमा यहाँ से। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कोहिमा सिटी को देखने के लिए, क्योंकि बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है कोहिमा और बहुत ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्शन प्लेस है, तो मैं भी विजिट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वहाँ की पुलिस हेल्प करेगी ऐसा उम्मीद है, बट देखते हैं। उसको भी मेंशन करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में, तो देखते हैं क्या होता है। और बने रहिए वीडियो में एंड तक, स्किप ना करना और कंटिन्यू वॉच करना। नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं वीडियो के आगे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मैं फाइनली कोहिमा एंटर हो चुका हूँ और रिसेंटली यहाँ के मार्केट पर हूँ। थोड़ी देर में भैया बस मुझे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होता है पुलिस स्टेशन में जाके। अगर हेल्प होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखने वाली चीज़ होगी कि कहाँ स्टे होता है। तो देखते हैं, अभी मेन मार्केट को विज़िट करेंगे थोड़ी देर से, पहले प्रॉपरली अरेंजमेंट हो जाए स्टे करने का और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, फ्रेश व्रेश होकर फिर निकलेंगे लोकल मार्केट की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे कोहिमा का कुछ पार्ट जो देखने में आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक के और स्किप ना करना वीडियो को। तो बड़ी मैं निकला हुआ था शाम को घूमने के लिए नागालैंड, कोहिमा में हूँ एक्चुअल में मैं अभी। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, इवनिंग टाइम में बंद हो जाता है ये सब, भीड़ तो है जो भी है थोड़ा बहुत, नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो दुकानें हैं वो बंद हो रही है धीरे धीरे। देखो ट्रैफिक भी कम हो चुका है। एक मिनट मैं फ्रंट में आ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए मुझे। ये वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं है, ठीक है मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे होंगे लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन है मेरा कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। देखते चलो, मैं रिसेंटली ऐसा लगता है ना, मतलब अगर किसी को कैप्चर कर रहे हो और उसने ऑब्जेक्शन उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रैफिक जो होता है ये हर मतलब कैपिटल सिटी का और मतलब कहना चाहिए स्मार्ट सिटी का प्रॉब्लम होता है कि भाई ट्रैफिक तो लगना ही है। ट्रैफिक लगने से इस सिटी की खूबसूरती बढ़ जाती है, मतलब इतने सारी गाड़ियां लाइन से एकदम लग जाती है ना, तो एक के पीछे एक लाइट इतना खूबसूरत लगते हैं। ताकि मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि भाई बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत सिटी है, लाइटिंग मस्त एकदम, मतलब थोड़ी देर में तो पूरी सिटी को या फिर एक या दो दिन में तो पूरी सिटी को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना कैप्चर कर सकूँ और जितना दिखा सकूँ आप लोगों को उतना दिखा पाऊँगा। वाह, अभी आगे देखते हैं और क्या मिलता है। मार्केट एरिया, तो मैं हूँ अभी कोहिमा में घूम रहा हूँ भाई लोग मिले हुए लोकल पीपल, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे ले जा रहे हैं विच प्लेस, वॉर से मिची या ओके। तो अभी चलते हैं और उसे भी विजिट करते हैं और देखते हैं क्या नया देखने मिलता है, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं कोहिमा के व्यू पॉइंट पर,
हेलो गाइस, ये रिसेंटली मुझे मिले हुए थे। एक बार अपनी लैंग्वेज पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो आप दोनों। लाइक सो सी मो सरप्राइजेस सो सी जे मुशियर सो कम दिस जे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आगे के कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको, और नाइट व्यू जो कि सिटी का बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, वो भी आपको शो कराता हूँ। तो नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे कि भाई लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया है, फिर भी एक बार आप लोग कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं वीडियो के आगे, तब तक के कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। ऐसी जिंदगी हम छिपे छिपाए हम नाए आए आए हम नाए ऐसे जी छिपे छिपाए ऐसे जी हम न पाए। ऐसी जी ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ऐसी जी।